हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में ज्वाइन हो पाएं। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था साइज रिडक्शन के बारे में। जी हाँ, तो साइज रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कवर करने वाले हैं साइज रिडक्शन में कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि वाइडली यूज किए जाते हैं जनरली साइज रिडक्शन में। तो आज हम कवर करेंगे हैमर मिल और बॉल मिल। तो हैमर मिल क्या होता है, बॉल मिल क्या होता है, जनरली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या यूजेस होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फिर हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप कि सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल वे में इनको समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हैमर मिल, व्हाट इज बॉल मिल। बॉल मिल एक्चुअल में ये जो आपके जितने भी इक्विपमेंट अभी हमने डिस्कस किए, हैमर मिल और बॉल मिल, एक्चुअल में ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनके मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉल मिल जो होता है वो किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, हैमर मिल जो होता है वो किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, किस टाइप के कंपाउंड को जनरली साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सारी चीजें हम इस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, इक्विपमेंट यूज्ड इन साइज रिडक्शन, यानी कि ये किसमें यूज किया जाता है, ये जो आपका हैमर मिल होता है ये साइज को रिडक्ट करने के लिए, यानी कि साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैमर मिल के बारे में। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हैमर मिल को। तो सबसे पहले हैमर मिल के कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे कि क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, हैमर मिल बोलते हैं। ये आपका जो है ये क्या है, आपका हैमर मिल होता है। एक्चुअल में इसका जो डिज़ाइन होता है आपका, आपने फ्लोर मिल देखा होगा, आटा चक्की जो देखी होगी, उस टाइप का कुछ डिज़ाइन होता है, उस टाइप की कुछ प्रोसेस होती है। यहाँ पर पार्टिकल को साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो जो हैमर मिल होता है यहाँ पर आपका क्या होते हैं, शाफ्ट होते हैं, उन शाफ्ट पे आपके हैमर्स अटैच होते हैं और वो हैमर आपके इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके थ्रू जनरली क्या होता है आपका, ये जो मटेरियल है आपका ये क्या हो जाता है, आपके साइज का रिड्यूस हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, साइज रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके प्रिंसिपल की बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका हैमर मिल होता है उसके प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो आपका हैमर मिल होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर, यानी कि जो आपका हैमर मिल होता है ये आपके इंपैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करता है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो आपका साइज रिडक्शन होता है, ये साइज रिडक्शन का जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, तो फोर कैटेगरी हमने उसमें कंप्लीट की थी। एक जिससे मैं क्या बोल रहा था, एक होता है कटिंग मैकेनिज्म, दूसरा जिसे बोल रहे थे कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मैकेनिज्म के थ्रू आपका क्या हो रहा था, जो पार्टिकल था उसका साइज क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। थर्ड जिसे मैं क्या बोल रहा था, इंपैक्ट मैकेनिज्म, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या था, जनरली उसको हम बोल रहे थे एट्रिशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, मैकेनिज्म्स होते हैं। तो जो हैमर मिल होता है ये किस पे वर्क करता है, इंपैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करता है। यानी कि अगर कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि हैमर मिल जो होता है वो किस मैकेनिज्म के बेस्ड होता है, जनरली किस मैकेनिज्म के थ्रू आपके पार्टिकल के साइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो याद रखिएगा ये आपका इंपैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल के साइज को रिड्यूस करता है। सबसे पहली चीज यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंपैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहां पर क्या होती है, दो कंडीशन होती है,
एक जिसे मैं बोलता हूं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और दूसरा जिसे मैं क्या बोलता हूं मूविंग फेज। तो मूविंग फेज यानी कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आपके, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग शिवम, तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपके मूविंग फेज से क्या होते हैं, आपके स्ट्राइक होते हैं। यानी कि जो आपके हैमर होता है वो हैमर आपका क्या होता है, मूव होता है, रोटेशन शो करता है आपके शाफ्ट के थ्रू। तो वो आपका जो हैमर होता है वो पार्टिकल पे क्या करता है, एक इम्पैक्ट शो करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। यानी कि इसमें क्या होता है, एक फेज स्टेशनरी होता है और एक फेज मूविंग होता है। तो जो मूविंग वाला फेज होता है वो आपका स्टेशनरी फेज से क्या होता है, बार बार स्ट्राइक होता है। इसकी वजह से जो पार्टिकल होता है उसका साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। चलिए बहुत अच्छे, अब देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आपकी यहां पर आपका जनरली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका हैमर मिल आप देख रहे हैं यहां पर ये लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, हॉपर होता है। हॉपर के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को फीड किया जाता है, इनलेट कराया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। यहां से मटेरियल को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, मटेरियल को इनलेट कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आटा चक्की जो होती है आपकी, जनरली टॉप में ऊपर क्या होता है, एक हॉपर होता है। उस हॉपर में, चलिए उसमें क्या होता है आपका, जनरली एक हॉपर होता है। उस हॉपर में क्या करते हैं हम, जो गेहूं होते हैं उस गेहूं को ऊपर फीड करते हैं, और गेहूं को फीड करने के बाद वो आपका जनरली पास होता है आपके जो रोटेटरी नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मशीन्स लगे होते हैं, शाफ्ट लगे होते हैं, उनके थ्रू आपका जो भी गेहूं है, जो भी आपका वीट है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पाउडर फॉर्म में, जैसे आप आटा बोलते हैं। तो सेम वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ा पार्टिकल होता है उसको यहाँ से इनलेट किया जाता है, और इनलेट करने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल आपका जाता है कहाँ पर, इस शाफ्ट के पास। तो जो शाफ्ट में आपके क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं, उन हैमर के थ्रू आपका यहाँ पर पार्टिकल पे क्या आता है, इम्पैक्ट शो करता है। वो इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, उन पार्टिकल्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो कि आपके इस स्क्रीन के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या हो जाता है, रिसीवर में रिसीव हो जाता है। अब ये तो हो गई एक सिंपल प्रिंसिपल टाइप का, एक सिंपल थ्योरी टाइप की, कि सर किस तरीके से मटेरियल को यहाँ पे फीड किया, वो मटेरियल आपके इस पर्टिकुलर कैविटी में, इस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, और वहां पर आपका उस पार्टिकल का क्या होगा, साइज रिडक्ट होगा, साइज रिड्यूस होगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका रिसीवर के थ्रू रिसीव हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कवर करते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका इक्विपमेंट होता है, जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग। ये किसका बना होता है, जनरली ये मेटल्स का बना होता है। जो आपका हैमर मिल होता है मेटल केसिंग का बना होता है। उसके साथ साथ फोर और मोर हैमर्स आर अटैच्ड टू द एनक्लोज्ड सेंट्रल शाफ्ट। यहां पर क्या होता है, ये जो आप सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं, इस सेंट्रल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहां पर शाफ्ट बोलते हैं, और इस शाफ्ट से क्या अटैच होता है, आपका हैमर अटैच होते हैं आपके, फोर या फोर से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम फोर की अगर मैं बात करूं तो चार चार से ज्यादा आपके क्या होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपके इसमें शाफ्ट में हैमर लगे होते हैं, और ये शाफ्ट की वजह से ही आपके जो हैमर होते हैं ये क्या होते हैं, रोटेशन शो करते हैं, रोटेट होते हैं। तो जब भी कोई बड़ा पार्टिकल इन रोटेशन में आता है, इस रोटेशन के आपके मूवमेंट में आता है, तो वो वहां पर क्या होता है, एक पार्ट आपका स्टेशनरी होता है, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, जनरली मूविंग फेज होता है। तो दोनों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद द लोअर पार्ट ऑफ द केसिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल कैन पास। सिंपल सा यहां पर याद क्या रखना है, यहां पर मैन क्या होता है आपका, एक स्क्रीन होता है। स्क्रीन का मतलब यहां पर क्या है, सीव की बात हो रही है ना, स्क्रीन का मतलब वो फोन की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है किसकी, सीव की बात हो रही है।
तो यहाँ पर क्या लगी होती है आपकी, जनरली एक सीव लगी होती है। उस सीव के थ्रू, जिस साइज की सीव आपने यहाँ पर क्या की है, अरेंज्ड की है, यहाँ पर आपने प्लेस्ड की है, उस साइज की सीव के अकॉर्डिंग जो भी हमारा पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल यहाँ से क्या होता है आपका, पास हो जाता है। मतलब जिस साइज का पार्टिकल आपको क्या करना है, यहाँ पर अटेन करना है, तो उस साइज की आप सीव क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और उसी साइज का पार्टिकल आपको क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है। नेक्स्ट आपका, कलेक्टेड इन अ सूटेबल शिवर व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रीच्ड। जब बड़े पार्टिकल्स आपके इस हैमर के थ्रू क्या हो जाते हैं, रिडक्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी डिजायर पार्टिकल होता है, जब वो अचीव हो जाता है, यानी कि उस पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है जो कि इजीली इस सीव को क्या कर सके, वो पास कर सके, तो उस सीव को पास करके जनरली आपका रिसीवर में क्या हो जाता है, वो रिसीव्ड हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, ऑन द साइड ऑफ द केसिंग देयर इज अ फीड होपर। अभी हमने जो बात की थी स्टार्टिंग में, कि जो आपका जनरली हैमर मील होता है, उसके जस्ट साइड में जो आपका मेटल केसिंग होती है, उसके जस्ट साइड में क्या होता है आपका, एक हॉपर लगा होता है, जिसका काम होता है जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल को इस पर्टिकुलर यहाँ से क्या कराना, फीड कराना, इनलेट कराना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मील। आगे डिस्कस कर लेते हैं हैमर की मील के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा क्या, हैमर मील की कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका हैमर मील वर्क करता है। तो ये क्या था आपका, जनरली हॉपर था, ये आपका क्या था, हॉपर था। इस हॉपर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है, जिस टाइप का भी मटेरियल को आपको क्या करना है, साइज को रिड्यूस करना है, रिडक्ट करना है, उस मटेरियल को आप यहां से क्या कराते हैं, इस हॉपर के थ्रू इनलेट कराते हैं। और इनलेट कराने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल आपके इस पर्टिकुलर कैसिंग में आता है, और कैसिंग में आने के बाद ये जो हैमर होते हैं, ये हैमर आपके क्या करते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म शो करते हैं, दैट मीन इम्पैक्ट शो करते हैं इन पार्टिकल्स पे। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं आपके, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जब डिजायर पार्टिकल साइज में आपका जो मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, उस टाइम पर क्या होता है, ये सीव के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, हैमर मील। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि किस तरीके से ये आपका क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले वर्किंग की अगर मैं बात करूं, तो हॉपर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी फीड मटेरियल होता है, उस फीड मटेरियल को उस हॉपर के थ्रू हम हैमर मिल में क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, दैट मीन फीड कराते हैं। उस हॉपर के थ्रू वो मटेरियल आपका क्या होता है, फीड होता है। नेक्स्ट, फीड होने के बाद द मटेरियल फ्रॉम द हॉपर फ्लोज वर्टिकली एंड देन हॉरिजेंटली। यानी कि यहाँ पर जो हॉपर आप देख रहे हैं, ये दोनों ही टाइप से क्या होता है, अरेंज होता है। फर्स्ट जिसे मैं क्या बोलता हूँ, वर्टिकली, वर्टिकली भी आपका क्या होता है, अरेंज्ड होता है। वर्टिकली का मतलब क्या हो गया, यानी कि वहां पर जो हॉपर होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा, तो ये क्या हो गया आपका, जनरली वर्टिकली हो गया। और आपका हॉरिजॉन्टली भी आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी आपका जनरली ये अरेंज्ड होता है आपके हैमर मिल में। यानी कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, अगर हम क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, यहां से अगर हम क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से आपका क्या कर रहे हैं, फीड करा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटली। तो दो पैटर्न में आप जनरली देखेंगे, हैमर मिल का जो हॉपर होता है उसकी जो फीडिंग होती है, दो तरीके से हो सकती है, या तो वर्टिकली वो क्या कर सकते हैं, आप मटेरियल को फीड कर सकते हैं, या फिर हॉरिजेंटली वहां पर आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल को फीड कर सकते हैं। उसके बाद द हैमर्स आर इन कंटिन्यूस मोशन एंड रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 8,000 to 15,000। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जिस रेंज पे, जिस आपकी स्पीड पे ये हैमर मील में जो आपके शाफ्ट लगा है, जो हैमर्स लगे हुए हैं, वो रोटेट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्या, कि जो आपका हैमर मील होता है, उसका स्पीड कितना होता है, 8,000 से लेके आपका 15,000 RPM,
यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये कम से कम 8000 से लेके 15000 तक क्या करता है, रोटेशन शो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है स्पीड में ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स इनके बीच में आते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, रिडक्ट हो जाता है। उसके बाद ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जनरली पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रेंज ऑफ, व्हाट इज़ द एक्चुअल आरपीएम ऑफ हैमर मिल, तो वहाँ पर रेंज दे दी जाएंगी, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, 8 से लेके 15 तक, तो यानी कि 8000 से लेके 15000 की आरपीएम स्पीड पर क्या करता है ये हैमर मिल रोटेट करता है। नेक्स्ट, व्हेन द फीड मटेरियल स्ट्राइक्स विद द रोटरी हैमर द मटेरियल ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर पीस। एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे आपका पार्टिकल क्या होता है, रिड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपैक्ट मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, पार्टिकल है, एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, ये आपका क्या है, पार्टिकल है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल पर कोई भी इम्पैक्ट शो कराएंगे किसी भी हैमर के थ्रू, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसके बीच में क्या होगी, क्रैकिंग होगी, यानी कि ये पार्टिकल सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो क्रैकिंग के बाद क्या होगा, जब हम बार बार कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कंटिन्यूसली मोशन में अगर हम क्या कराएंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट शो कराएंगे, तो धीरे धीरे जब ये जो पार्टिकल के बीच में क्रैकिंग होती है, वो क्रैकिंग से क्या होगा, आपका पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जनरली क्या होगा, पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा, और इसी की वजह से इसका जो पार्टिकल साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट क्या आपका जनरली वर्किंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देन दीज पार्टिकल पास थ्रू द स्क्रीन, यानी कि जो भी आपका पार्टिकल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस पार्टिकल आपका इस स्क्रीन के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक पार्टिकल आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तब तक वो आपका पार्टिकल यहाँ पर रिसीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन ये है कहीं ना कहीं कि जो पार्टिकल आपका इसमें रोटेट हो रहा है, यानी कि उसका जो साइज है अभी इतना छोटा नहीं है, इतना स्मॉल नहीं है कि वो इस सीव को पास कर पाए। तो जैसे ही उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, अचीव होगा, वैसे ही आपका ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर रिसीवर में क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में हमने कवर करी, क्लियर हो गई होंगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो जनरली ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में ही जनरली क्या किया जाता है, पूछा जा सकता है कि आपका जो पार्टिकल साइज है, आपका जो हैमर मिल है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। और अगर आपका एग्जाम है, तो आपका बी फार्मा का एग्जाम है या डी फार्मा का एग्जाम है, तो वहां पर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको लिखने में बहुत ज्यादा ईजी हो। तो यहां पर हम एक एक चीज सिंपल वे में हिंदी में समझने में कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या दिया है आपका, एडवांटेज की सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि हैमर मिल की अच्छाइयों को सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। तो इजी टू सेटअप, डिसमेंटल एंड क्लीन अप, यानी कि सबसे पहला आपका एडवांटेज होता है, जो हैमर मिल होता है इसको सेटअप, इसका जो सेटअप होता है उसको सेट करना, यानी कि बहुत ज्यादा ईजी होता है, डिसमेंटल करना और क्लीन करना, ये क्या है, बहुत इजी है, इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है इसमें इसको सेट करने के लिए, क्लियर हो गया। तो एक तो हो गया आपका सबसे पहला एडवांटेज कि इजी टू सेटअप, डिसमेंटल एंड क्लीन अप, इजीली क्लीन करना मोस्ट कॉमन है, मतलब क्लीन कर सकते हैं तो एडवांटेज हो गया, अगर बहुत ज़्यादा आपका कैसा है क्लीन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिसएडवांटेज हो गए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, मार्क्स आपको इनमें से बहुत अच्छे मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। रैपिड इन एक्शन सेकेंड आपका क्या है एडवांटेज, रैपिड इन एक्शन, यानी कि क्यों, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8000 से लेके 15000, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कॉपी में नोट कर लीजिए, और आरपीएम ये मत भूल जाइएगा,
है ना। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है विथ यूनिट, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये आप याद कर सकते हैं। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, है ना, कि जो भी हम अभी कवर कर रहे हैं हैमर मील, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर ये आपका फर्स्ट ईयर का चल रहा है या सेकंड ईयर का चल रहा है। देखिए टॉपिक आपका क्या है वो इंपॉर्टेंट करता है, किस सब्जेक्ट का जनरली चल रहा है। हालांकि हम पढ़ किसका रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स जनरली फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बी फार्मा में भी इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। डी फार्मा में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और एग्जाम के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर चीज को एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। तो ये पूरा अगर पूछेगा तो एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज साइड रिडक्शन डिफाइन विथ हैमर मिल एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। और अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आरपीएम स्पीड ऑफ, व्हाट इज द आरपीएम स्पीड ऑफ हैमर मिल। तो दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो सभी आप लोग अच्छे से कवर कर लो, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में पढ़ रहे हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हर चीज एक एक याद हो जाए। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए जनरली हम हैमर मिल का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपका जो फाइबरस मटेरियल होता है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैमर मिल ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। मतलब क्या है कि जो आपका जो हैमर मिल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका क्या है इक्विपमेंट है, उसको हम जब क्या करेंगे सेटअप करेंगे इसका, तो बहुत ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा, बहुत ही स्मॉल स्पेस क्या करेगा कवर करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, चीजों को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, इट इज वर्सेटाइल, एग्जाम्पल स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज रैपिडली। एक डाउट आ रहा होगा कि सर वर्सेटाइल मीन क्या है, वर्सेटाइल का टर्म यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कैसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे, सबसे पहला दिया है क्या स्पीड और दूसरा आपका दिया है स्क्रीन। तो मैंने जस्ट बताया था स्क्रीन के मतलब यहां पर सीव की बात हो रही है, और स्पीड का मतलब उसकी जो स्पीड थी 8,000 से लेके 15,000 तक, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हो, यानी कि स्पीड को कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो। पहला पॉइंट, इसीलिए इसको हमने क्या बोला वर्सेटाइल बोला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जिस साइज का पार्टिकल को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है, उस साइज के पार्टिकल का सीव आप क्या करेंगे वहां पर प्लेस्ड कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा जो भी फाइनल पाउडर हमारा आएगा उसका साइज उसकी सीव पर डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट क्या आपका जनरली एडवांटेज ऑफ हैमर मिल, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएंगे कि सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या डिसएडवांटेज। देखिए जो आपके जितने भी इक्विपमेंट है या कोई भी चीज है, तो कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उनको भी हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपके हैं जैसे वैसे ही डिसएडवांटेज। सबसे पहला क्या है, हीट बिल्डअप, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर। यहां पर हैमर मिल में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जब हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इस हैमर मिल में हीट बिल्डअप हो जाती है। हीट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, यहां पर जो मटेरियल होता है वो भी गर्म हो जाता है और जो इक्विपमेंट होता है वो भी गर्म हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने नोटिस भी किया होगा, कभी आप आटा चक्की के पास जाइएगा, है ना, अगर नहीं किया तो जा सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो वहां पर जाके जनरली आप देखिएगा जो आटा आपका निकलता है उस आटे को टच करके देखिएगा, हालांकि ऐसा करने नहीं देगा कोई, परमिशन ले लीजिएगा कि सर ने बोला एक प्रैक्टिकल करना है सिर्फ, है ना, परमिशन ले लीजिए, अपने आटे के साथ ही करिएगा, दूसरे के आटे को चेक मत करिएगा, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर आप चेक करेंगे जो मटेरियल आपका निकल रहा है ना, वो आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब एक हीट उसमें देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कि जो आटा है वो गर्म है। तो
तो यानी कि हीट बिल्डअप हो रही है वहां पर। क्यों हो रही है? क्योंकि हाई रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन हाई हो रहा है जिसकी वजह से हीट आपका बिल्ड हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हैमर मिल का, कि हीट बिल्डअप करता है, मटेरियल आपका गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। उसके बाद हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी फाइबरस एंड हार्ड मटेरियल। यानी कि जो आपका हैमर मिल होता है, जो भी आपके फाइबरस मटेरियल होते हैं, स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, उनको ये नहीं करता, उनके साइज को डिटेक्ट नहीं करता। जैसे ऐसे मटेरियल जो आपके क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे मटेरियल को क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं, तो जो आपकी उसकी स्पीड है, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड पर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हैमर्स हैं वो स्टक होने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या है, द स्क्रीन्स में गेट क्लॉग्ड। ये है आपका किससे रिलेटेड, स्क्रीन से रिलेटेड, यानी सीप से रिलेटेड। तो वहां पर क्या हो सकता है, क्लॉगिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल है वो आपका क्लॉग हो जाता है, ऊपर की सरफेस में ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पाउडर नीचे निकलना बंद हो जाता है, रिसीवर में रिसीव होना बंद हो जाता है। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेमेस्टर की या फिर डिफार्मा की, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इसको अच्छे से नोट करके आइएगा, डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको याद भी रहेगा। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूजेस के बारे में। तो यूजेस क्या होते हैं, सिंपल सा है। पहला हम बात करेंगे यूजेस के बारे में, तो यूज्ड टू मिल ड्राई मटेरियल, वेट फिल्टर प्रेस केक, ऑइंटमेंट, स्लरीज, ईटीसी। यानी कि जो भी आपका ऑइंटमेंट, आपकी जो प्रिपरेशंस होती है, तो ऑइंटमेंट को जब बनाते हैं तो उस टाइम पे पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए जनरली हैमर मिल का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, आपका वेट फिल्टर प्रेस केक को, यानी कि यहां पर क्या करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ड्राई मटेरियल, ड्राई पाउडर्स आपके जो हों, उन पाउडर के साइज को रिड्यूस करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। तो ये पहला क्या हो गया आपका, यूज हो गया। ब्रिटल मटेरियल इज वेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट फ्रॉम द ब्लंट हैमर। यानी कि जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं आपके, उनको बहुत इजीली क्या किया जा सकता है आपका, जनरली यहां पर इजीली उनके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है, किसके थ्रू, आपके ब्लंट हैमर के थ्रू, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइबरस मटेरियल इज बेस्ट रिड्यूस इन साइज बाय कटिंग एजेस। जो फाइबरस मटेरियल होता है उसको हम हैमर मिल के थ्रू क्या नहीं करते हैं, जनरली हैमर मिल के थ्रू हम उसके साइज को रिड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पर अभी पढ़ा था डिसएडवांटेज में कि फाइबरस मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द हैमर मिल। तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका जनरली यहां से जीपैट में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, फार्मासिस्ट में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो यानी कि हैमर मिल आप जो पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग डी फार्मा का पढ़ रहे हैं, क्लियर है। कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया जाए कोई नहीं पता है। तो अच्छे से जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये सोच के पढ़िए कि मुझे कॉम्पिटिशन का भी पढ़ना है, डी फार्म का भी पढ़ना है, सेमेस्टर का भी पढ़ना है, तो ईजी रहेगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो स्टॉक्स टॉर्नेडो मील आपका क्या है, जनरली वेरिएंट होता है, किसका वेरिएंट होता है, हैमर मील का वेरिएंट होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिट्ज पैट्रिक कम्युनिकेटिंग मशीन, जो कि आपकी फिट्ज मील के नाम से भी जानी जाती है, ये भी आपका क्या है, हैमर मील का वेरिएंट है। लास्ट माइक्रो पल्वराइजर एंड हैमर क्रशर, तो ये आपके क्या होते हैं, जनरली इनके वेरिएंट्स होते हैं, हैमर मिल के क्या है, ये वेरिएंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सबको आप क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिएगा। तो आई होप कि हैमर मिल क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे कि जो अभी तक हमने जो चीज़ कवर की, क्या वो क्लियर हुई है या नहीं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन साइज रिडक्शन, दैट इज बॉल मिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्लुएंटली पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके वाइवा में भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बॉल मिल से रिलेटेड। तो बॉल मिल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉल मिल के बारे में। तो बॉल मिल को, बॉल मिल ऑल्सो नोन एज
टम्बलिंग मील एंड पैबल मील, इसको हम टम्बलिंग मील के नाम से भी जानते हैं और पैबल मील के नाम से भी जानते हैं। पैबल मील क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जनरली पैबल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या नहीं यूज कर रहे हैं, जनरली यहाँ पर अगर हम बॉल्स यूज नहीं कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील्स का, तो पैबल्स को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम पैबल मील के नाम से भी जानते हैं। टम्बलिंग मोशन शो करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टम्बलिंग मील। तो यहाँ पर तीन चीजें याद रखना, बॉल मील, टम्बलिंग मील और पैबल मील। तो तीनों चीजें आपकी इक्वल हैं, सेम है। बॉल मिल मतलब बॉल्स का यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील की बॉल यूज की जाती है मिलिंग करने के लिए, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं बॉल मिल। टम्बलिंग मोशन शो करता है, इसीलिए टम्बलिंग मिल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैबल्स का भी कभी कभी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है आपके बॉल मिल में, इसीलिए इसको हम पैबल मिल के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि तीन नेम आपको क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे थे जिनको ये पता था कि इसको टम्बलिंग मिल और आपके जनरली पैबल मिल के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में और आगे हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, तो ये याद रखना हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये किस पे वर्क करता है? आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे भी वर्क करता है और एट्रिशन मैकेनिज्म पे भी वर्क करता है। हैमर मिल आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा था, यहां पर इंपैक्ट मैकेनिज्म भी है और एट्रिशन मैकेनिज्म भी है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, तो लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और जीपैट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मैं लास्ट में पॉइंट बताऊं, तो आप लास्ट तक सेशन में बने रहे। अब समझ लेते हैं यहां पर क्या इंपैक्ट और एट्रिशन। तो इंपैक्ट तो हमने कवर कर लिया था कि इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, अब बात कर लेते हैं एट्रिशन मैकेनिज्म के बारे में। तो एट्रिशन में क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है आपकी, रबिंग होती है। तो जब दो पार्टिकल्स के बीच में या दो सरफेस के बीच में क्या होती है आपकी, रबिंग होती है, तो रबिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आपका जो पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। इसको समझेंगे ऐसे कुछ, ये आपका क्या है, पार्टिकल है। तो जब ये जो आपका पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में भी रबिंग हो सकती है, या फिर दो डिफरेंट सरफेस के बीच में भी आपकी क्या हो सकती है, रबिंग हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये जो पार्टिकल होता है इसमें क्रैक नहीं आता। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, क्यों? क्योंकि इंपैक्ट में क्या हो रहा था, क्रैकिंग हो रही थी, पार्टिकल में बीच में क्रैक्स आ रहे थे, और क्रैक्स होने के बाद फिर वो ब्रेक हो रहा था। यहां पर क्या होता है, ये आपका जो बाहर से जो एजिस होते हैं इन पार्टिकल के, ये एजिस क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका पार्टिकल है इसके जो जो एजिस होते हैं, इन एजिस का क्या होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल रिड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं एट्रिशन मैकेनिज्म। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही मैकेनिज्म पे वर्क करता है आपका वॉल मील। चलिए तो देख लेते हैं, ये आपका क्या होता है, बॉल मिल का डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का कुछ आपका जो बॉल मिल होता है दिखता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आपके कॉलेजेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या होंगे, बॉल मिल होंगे, कुछ इस प्रकार भी होंगे बॉल मिल आपके, आपने इस तरीके का बॉल मिल भी देखा होगा। आई होप सो कि यहाँ पर इस तरीके का बॉल मिल भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मेन्यूज होते हैं आपके, जो बटन्स वगैरह होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो ये आपका कुछ इस प्रकार भी देखा होगा आपने। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को इस लिड के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, लिड बोलते हैं, जहां से हम मटेरियल को क्या करा रहे हैं, इनलेट करा रहे हैं, उस लिड के थ्रू क्या किया जाता है, यहां पर इस पूरे मटेरियल को इस पर्टिकुलर लोकेशन में हम फिल्ड कर देते हैं। फिल्ड करने के बाद ये किसका बना होता है, जनरली मेटल सिलेंडर बोलते हैं इसको। सिलेंडर में हम क्या करते हैं, जनरली मटेरियल को फिल कर देते हैं, प्लस जो आपकी स्टेनलेस स्टील की आपकी क्या होती है, स्टील्स की क्या बनी होती है, जनरली बॉल्स बनी होती हैं, या फिर हम पैबल्स को क्या करते हैं, इस मटेरियल के साथ इसमें मिक्स कर देते हैं। उस पैबल्स की वजह से क्या होता है आपका, जनरली आपका जो साइज होता है पाउडर का, जो भी मटेरियल आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उसका क्या होने लगता है, साइज रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, कंस्ट्रक्शन के बारे में।
तो इट कंसिस्ट ऑफ होलो मेटल सिलेंडर माउंटेड ऑन शाफ्ट एंड रोटिंग अबाउट इट हॉरिजेंटल एक्सिस। यानी कि ये जो आपका जो मेटल होता है, होलो सिलेंडर मेटल जो होता है आपका जनरली, वो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस पे शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं जनरली बोल रहा हूं शाफ्ट। इस शाफ्ट से क्या होता है आपका, ये जो होलो सिलेंडर है ये अटैच्ड होता है और इस हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। मतलब हॉरिजेंटली क्या होता है, रोटेट होता है, शाफ्ट में अटैच होता है। द सिलेंडर कैन बी मेड ऑफ मेटल, पोर्सिलेन और रबर। जो सिलेंडर होता है या तो मेटल का बना होगा या फिर पोर्सिलेन का बना होगा या फिर रबर का बना होगा। दूसरी चीज, इनसाइड द सिलेंडर बॉल्स और पेबल्स आर प्लेस्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका बॉल होती है स्टेनलेस स्टील की बॉल होती है या फिर पेबल्स होते हैं, उन पेबल्स को मटेरियल के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पर आपका फिक्स किया जाता है, इसके साथ ऐड किया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, पेबल मील। हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि पेबल मील कैसे बोलते हैं, तो यहां पर बात कर लेते हैं क्या। द बॉल्स ऑक्यूपाई बिटवीन 30 से 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहां पर जो आपके वॉल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के, वो आपके तो जो आपके क्या होते हैं पेबल्स होते हैं जनरली, उन पेबल्स को जनरली क्या किया जाता है, जब यूज किया जाता है तो 30 से 50% क्या किया जाता है आपका, वो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसको ऑक्यूपाई करता है। अब यहां पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से होते हैं कि जो बॉल्स होते हैं आपके वॉलमील के, वो आपके कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बॉलमील को और किस किस नेम से जाना जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि ये वर्टिकली एक्सिस पर रोटेट होता है या हॉरिजेंटली एक्सिस पर रोटेट होता है। तो ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डियर कि क्वेश्चन आपके कंपटीशन से यहां से नहीं बन सकते, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। डी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बी फार्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी डियर डिस्कस करता हूं उस पर ना, सोशल फार्मेसी कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, सेशन के बाद में आपको बताता हूं। क्लियर है। द डायमीटर ऑफ द बॉल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। जो भी मटेरियल का डायमीटर होता है, दैट मीन यानी कि मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है, तो उन पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वॉल के डायमीटर को अरेंज करते हैं, उसके हिसाब से हम वॉल को क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल साइज तो बहुत बड़ा है, बॉल्स बहुत छोटी है, तो क्या साइज को रिड्यूस कर पाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो मटेरियल आप यूज करते हैं, जिस मटेरियल को आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या करते हैं, पेबल्स का या फिर बॉल्स के साइज का यहां पर यूज करते हैं। द डायमीटर ऑफ द बॉल्स वेरीज फ्रॉम 2 cm to 15 cm। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग। तो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बॉल्स होती हैं वो उनका जो साइज होता है वो किस रेंज में होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है 2 cm से 15 cm। याद रखना है बॉल मिल में जो आपकी स्टेनलेस स्टील की बॉल्स होती हैं उनका कितना डायमीटर होता है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ द बॉल्स कैन बी मेड अप ऑफ मेटल्स, पोर्सिलेन एंड स्टेनलेस स्टील की। तो ये आपकी क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। इसी के साथ साथ आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग बहुत ज्यादा सिंपल सी वर्किंग होती है। यहां पर वर्किंग की बात करें तो द ड्रग इज पुट इन टू द सिलेंडर ऑफ द मील एंड इज रोटेटेड। सिंपल सा क्या होता है, यहां पर जो भी मटेरियल को आपको साइज को रिड्यूस करना है, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर में क्या कर देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल हो प्रॉपर तरीके से क्या होने लगता है, आपका मील होने लगता है। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे दो तरीके के क्वेश्चन में। एक, सर ये इंपैक्ट मैकेनिज्म शो करता है, कोई बात नहीं। सर ये एट्रिशन मैकेनिज्म शो करता है, कोई बात नहीं। सर दोनों मैकेनिज्म कैसे शो करता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ 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 डियर, 8 बजे आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास होती है,
बाकी सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपका फ्री ऑफ सेशन रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहता है। सारे सेशंस अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। चलिए, तो यहाँ पर एट्रिशन और इम्पैक्ट की बात हो रही थी, तो सर एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों कैसे हो सकता है देखते हैं। इसमें आप ये बॉल्स देख रहे होंगे, इन बॉल और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जब फ्रैक्शन होता है, जब रबिंग होती है, तो उसकी वजह से जब आपका साइज रिड्यूस होता है तो उसको मैं बोलता हूं एट्रिशन मैकेनिज्म। सभी को क्लियर है? उसके साथ साथ जब ये आपका मटेरियल आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, यहां पर आप देख पाएंगे कुछ, ये देखिए मटेरियल आपका क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आता है, ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिलेंडर का आपका सरफेस एरिया है, जो अभी सिलेंडर है इसका जो सरफेस है, ये कैसा है आपका स्टेशनरी फेज में है, और पार्टिकल कैसा है आपका मूविंग फेज में है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है ना, सरफेस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टिकल आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये पार्टिकल आपका इसकी सरफेस से जाके क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो जब पार्टिकल इसकी सरफेस से स्ट्राइक होगा तो वहां पर क्या होगा, इंपैक्ट मैकेनिज्म होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल के बीच में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ऊपर से बार बार वो नीचे की तरफ क्या आएगा, स्ट्राइक होगा, तो वो पार्टिकल रिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंपैक्ट मैकेनिज्म। इसीलिए बॉल मिल में दोनों ही मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, एट्रिशन एज वेल एज इंपैक्ट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज जल्दी से कंफर्म करेंगे कमेंट बॉक्स में कि यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे ठीक है, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। क्लियर है? उसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बॉल मिल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं, प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्या कि जो आपकी बॉल मिल होती है उसकी राइट स्पीड क्या होती है। राइट स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लो मीडियम और हाई तीनों पे ही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तीनों ही चीजों में डिटेल में। सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे। एक तो ये हो गया सिलेंडर, दो और तीन, तीन कंडीशन आपकी हो सकती हैं बॉल मिल की स्पीड के साथ। या तो स्पीड कैसी होगी आपकी, जो बॉल मिल है उसकी लो होगी, या फिर मीडियम होगी, या फिर हाई होगी। क्लियर है? अब तीनों कंडीशन में यहां पर समझने की कोशिश क्या करेंगे, लो मीडियम और हाई। लो में क्या होता है समझना, क्या हम बॉल मिल को लो स्पीड पर रोटेट कराएंगे तो उससे पार्टिकल साइज ज्यादा अच्छे से रोटेट होगा, आपका डिडक्ट होगा। कैसे? जब हम क्या करते हैं, लो स्पीड में आपकी बॉल मिल में पार्टिकल को क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो बहुत ऊपर तक, यानी कि काफी ऊपर डिस्टेंस तक नहीं जा पाता है, क्योंकि रोटेशन बहुत स्लो होता है, पार्टिकल वहीं की वहीं आपका शिफ्ट होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है उसका साइज रिड्यूस नहीं हो पाता है, यानी कि लो स्पीड आपकी जो बॉल मिल होती है वो आपकी बैटर नहीं होती है पार्टिकल को रिडक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, क्या सर हाई स्पीड बहुत सही है, हाई स्पीड में सर रोटेट करेंगे ज्यादा जल्दी से रोटेट होगा, साइज हो सकता है रिडक्शन अच्छा हो जाए। नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, जब हम क्या करते हैं इसको बहुत हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं पार्टिकल्स को, जो भी आपने उसमें इनलेट कराया है पाउडर, तो क्या होता है कि वो पाउडर इस सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, इसकी सरफेस पे जाके अडेयर हो जाता है, और जब उसकी सरफेस पे जाके अडेयर हो जाएगा तो पार्टिकल के बीच में रिडक्शन होना कम हो जाएगा। इसीलिए हाई स्पीड पर भी बॉल मिल को रोटेट नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो ये आपकी लो स्पीड पे अच्छा वर्क करती है ना ही हाई स्पीड पे। तो बॉल मिल किस पर सबसे बेटर आपका साइज रिडक्ट करती है, तो याद रखना मीडियम स्पीड पर। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बॉल मिल किस स्पीड पे सबसे अच्छा साइज रिडक्शन करती है, तो मीडियम स्पीड इज द बेस्ट स्पीड फॉर द बॉल मिल फॉर द पर्पज ऑफ साइज रिडक्शन। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बात कर लेते हैं किसकी, एट लो स्पीड द मास ऑफ बॉल विल बी स्लाइड और रोल ओवर
each other and only a negligible amount of size reduce will occur. मतलब जब स्पीड कम होगी तो वो शिफ्ट होने लगेगी धीरे धीरे, आपका पाउडर शिफ्ट होता रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो लो स्पीड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ही ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पार्टिकल बहुत ऊपर से नीचे नहीं आएगा. दूसरा आपका क्या दिया है, हाई स्पीड. हाई स्पीड में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल आपके जनरली इस सरफेस से जाके क्या हो गया, अडेयर हो गया. सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा है ना, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहां पर पार्टिकल आपका सरफेस पे जाके अडेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में रिडक्शन होना कम हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अब यही क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि अगर बॉल मिल को हम हाई स्पीड में रोटेट कराएं तो किस फोर्स की वजह से आपका जो पार्टिकल है वो साइज का जो पार्टिकल है वो आपकी बॉल मिल का जो सिलेंडर है उसकी सरफेस पे जाके अडियर हो जाता है. तो याद रखना है क्या पूछेगा आंसर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो बताओ यहां से भी कंपटीशन का क्वेश्चन बन सकता है डियर. तो कोई भी चीज पढ़ो ऐसे पढ़ो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं. क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सोच के नहीं पढ़ना है हमें कि हम सिर्फ डिफार्मा की तैयारी कर रहे हैं, हम सेमेस्टर की नहीं. एक एक पॉइंट सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी, बीफार्म के अकॉर्डिंग भी, सब के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा. तो वो इंपॉर्टेंट, तो यहां से कॉम्पिटिशन का बन सकता है. एट हाई स्पीड द बॉल्स विल बी थ्रोन आउट टू द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल बी अकर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका जनरली पार्टिकल ऊपर अडेयर हो जाता है. तो ये आपने पढ़ा भी होगा, जब हम किसी सेम एक्सिस पे, यहां पर रूल क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम एक्सिस पे क्या किया जाता है, रोटेशन शो कराया जाता है, रोटेट कराया जाता है, तो वहां पर एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स आपके क्या होते हैं, जनरली वहां पर इंड्यूस होते हैं. एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट को टुवार्ड द एक्सिस की तरफ क्या करेगा, मूव कराएगा. एक जो फोर्स है जो कि अपवर्ड, यानी कि एक्सिस से दूर की तरफ क्या करेगा, उसको सेपरेट करेगा. तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, आपका आपका साइज रिडक्शन नहीं होता है. तो एट टू थर्ड स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स, द बॉल आर कैरी आउट ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द मील एंड देन फॉल इन द कैस्केड अक्रॉस द डायमीटर ऑफ मील. यानी कि सिंपल सा, यहां पर जो स्पीड है जिसकी वजह से आपका साइज प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रिड्यूस नहीं हो पाएगा. तो द करेक्ट स्पीड इज मीडियम स्पीड. क्यों, क्योंकि यहां पर पार्टिकल आपका इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे भी आएगा. तो जब नीचे आएगा तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म शो होगा, और उसकी वजह से साइज प्रॉपर तरीके से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो बाय दिस मीन्स द मैक्सिमम साइज रिडक्शन इज अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन द बॉल. सिंपल सा, मीडियम स्पीड याद रखिएगा आप, करेक्ट स्पीड है. चलिए, तो ये तो हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात. अब आ जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, जो कि आपके सेमेस्टर के और आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. बॉल मिल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बॉल मिल. तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका सेशनल एग्जाम, मिड टर्म, आपका फाइनल एग्जाम में ये हेल्प करेगा. और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो कभी आप भूलेंगे नहीं. एडवांटेज की बात सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करेंगे. तो एडवांटेज क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल. सेम चीज वही रिपीट हुई है कि ये जो आपका मटेरियल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको रिड्यूस करने में क्या कर सकते हैं, हम बॉल मिल का यूज कर सकते हैं. ये इसका क्या है, एडवांटेज है. इट कैन बी यूज्ड इन ए कंप्लीटली एनक्लोज्ड फॉर्म. सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो आपका मील है ये कैसा है, फुली क्लोज्ड है. हैमर मील में क्या था, हैमर मील में क्लोज्ड नहीं था, ऊपर से आपने क्या कराया था, इनलेट करा रहे थे, फीड करा रहे थे, नीचे से मटेरियल पास हो रहा था. यहां पर फुली क्लोज्ड है, तो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है आपका, बेनिफिट है आपका, एडवांटेज है. इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, जिसकी वजह से वेरी फाइन पाउडर क्या होता है आपका, प्रोड्यूस होता है. अब सुनिएगा, यहां तक तो बात हो गई साइज रिडक्शन की, क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जल्दी से बताएंगे सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख भी नहीं पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन तो पा ही रहे होंगे. जल्दी से मुझे बताइएगा, वेरी फाइन पाउडर आईपी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसको बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके. इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन,
कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए जनरली कंटिन्यूस पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। वेरी सुटेबल फॉर वेट और ड्राई प्रोसेस, यानी कि जो वेट मटेरियल होता है उसके लिए और ड्राई प्रोसेस के लिए भी जनरली क्या किया जाता है आपका, ये यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए डियर स्टूडेंट एडवांटेज की बात, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं इसको कवर करते हैं। वेरी नॉइसी मशीन, बहुत आवाज करती है भैया, ठीक है, जब ये चलती है तो आवाज बहुत करती है, साउंड बहुत प्रोड्यूस करती है, यानी कि वेरी नॉइसी मशीन, इज इट क्लियर? तो कभी नहीं भूलोगे, आवाज बहुत करती है, पहली चीज। स्लो प्रोसेस, प्रोसेस कैसी है, स्लो है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप स्पीड को रेगुलेट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, लो पे कर रहे थे तो पार्टिकल रिड्यूस नहीं हो रहा था, हाई पे कर रहे थे तो वो ऊपर जाके अडेयर हो रहा था, मीडियम पे ही चलाना है तो जो स्पीड दी है उसी स्पीड पे आपको क्या करना है, रोटेट कराना है, इसलिए प्रोसेस कैसी है, स्लो है। वियर अकर्स फ्रॉम द बॉल्स एंड कैसिंग रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक चीज याद रखना, यहां पर जो बॉल्स आप यूज करते हैं, जो पैबल्स आप यूज करते हैं, उन पैबल्स और बॉल्स की वजह से क्या हो सकता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि बॉल मिल में जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। सॉफ्ट टैकी फाइबरस मटेरियल कैन नॉट बी मिल्ड बाय बॉल मिल, जो भी टैकी मटेरियल है, फाइबरस मटेरियल है, इनको हम जनरली यहाँ पर हम साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोगों को यहां तक जो भी हमने कवर किया सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट याद हो गई हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में और वेरिएंट के बारे में। उसी के साथ साथ आज के सेशन को यहीं पर फिर फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यूजेस की। तो फाइन ग्राइंडिंग विथ अ पार्टिकल साइज ऑफ 100 टू 5 माइक्रोमीटर और लेस, यानी कि 100 से लेके आपका जनरली 5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज को ऑब्टेन करने के लिए हम इस बॉल मिल का यूज करते हैं। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द पार्टिकल साइज विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉल मिल, यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेलमिक एंड पैरेंटल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मे बी कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बॉल मिल को हम जनरली किस टाइप के मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन के लिए हम किस मिल का यूज करते हैं। तो याद रखना, ऑप्थेलमिक और पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए बॉल मिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर मिलिंग डाइज पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड्स एट लो स्पीड, जनरली क्या करते हैं हम यूज करते हैं बॉल मिल का। तो आई होप यहां तक यूजेस कंप्लीट हो गए। देखिए ये कुछ आपका इस तरीके का भी आपका जो एडवांस बॉल मिल है इस तरीके का दिखता है, यहां पर आपका मटेरियल फीड किया जाता है और ये जो बॉल्स आपको देखने को मिल रही हैं ये स्टेनलेस स्टील की बॉल्स होती हैं। वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो वेरिएंट का मीन यहां पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में वेरिएंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। हेडरिंग मिल, कंटिन्यूस बॉल मिल्स और आपका वाइब्रेटिंग बॉल मिल्स, ये क्या है, सभी वेरिएंट हैं आपके बॉल मिल के, जिनको हम टम्बलिंग मिल के नाम से भी जानते हैं और पैबल मिल के नाम से भी जानते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आई होप यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे कि सारी चीज़ें जो हमने कवर की वो क्लियर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।